दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं महाराष्ट्र पुणे के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहां डेली की 100 से भी ज्यादा मटन रन बनाई और बेची जाती है, जहां पूरे बकरे को कोयले पर रोस्ट करके एक बड़े से थाल में सजा करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र पुणे के शौर्यवाड़ा की, जहां की कावा करची थाली बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा पसंद की जाती है। तो आइए आज यहां की सारी मेकिंग देखते हैं और आज आपको खा करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास हांडे, ये शौर्यवाड़ा का ओनर। तो शौर्यवाड़ा सर, सबसे पहले तो शौर्यवाड़ा नाम कैसे, मतलब क्या है इसके पीछे? शौर्य का मतलब ही कुछ अच्छा होता है, शौर्य होता है शौर्य। और मेरे बच्चे का भी नाम शौर्य है करके मैंने ये उसके नाम से और उसका मतलब से मैंने बनाया है। तो सर ये क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आप क्या क्या बनाते हो? पूरा महाराष्ट्रियन कॉन्सेप्ट है, बहुत सालों पहले से जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में जो बनाते थे उसी स्टाइल में हम बनाते हैं। चिकन मटन थाली आता है, रान आता है, और मैं पूरा पूरा का पूरा बकरा जो बनाता है वो पूरा का बकरा भी बना के देता हूँ। पूरा रान एक लेग आता है मटन रान करके, चिकन रान करके पूरा का पूरा, तो लोग बहुत सारा पसंद करते हैं। पूरा ऑथेंटिक है, इसमें कुछ हम बॉइल वगैरह कुछ करते नहीं है उसको, आप देख सकते हो। तो चलें सर किचन में, चलिए आप, मैं दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों ये देखो भाई, हम आ गए इनके किचन में, ये पूरा देखो इस तरीके से यहाँ पे रॉ प्रोसेस हो रहा है। हम 10 बजे चालू करते हैं, आप थोड़ा सा लेट आ गए हो। अच्छा ये देखो ये यहाँ पे बनता है मटन बॉईल हो रहा है, मटन बॉईल। ये जो रस्सा है जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में जब 80 में 70 में जो बनता था, हाँ। सेम उसी तरह से हम बनाते हैं। ये देखो चूल्हे के ऊपर ही बनाते है, गैस भी कुछ यूज नहीं करते, पूरा ऑथेंटिक बनाते हैं। किस तरीके का रस्सा है, इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें मटन का बॉईल किया रस्सा है और हमारा महाराष्ट्रीय स्टाइल के मसाले है पूरे के पूरे। ये कितना किलो होगा ये, क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को। ये 200 लीटर का है, 200 किलो मटन बनता है इसमें। ये पूरा भट्टी पे बन रहा है जो कि ये लकड़ी वगड़ी डाल के बिल्कुल देसी स्टाइल से बनाते हो आप, है ना? बराबर, बहुत बढ़िया है। इसमें बनेगा 200 किलो मटन। तो सर ये कौन सा बकरा है सर? ये जो है ये यहाँ पे जो महाराष्ट्रियन के लोग है। अच्छा। तो हमारा जो विलेज टाइप ये साइड है तो यहाँ पे शीप खाते हैं लोग। अच्छा, तो ये शीप का है? ये शीप का है, भेड़ का। हाँ हाँ। अच्छा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है ये भेड़ का मटन ज्यादा खाया जाता है, इसलिए ये भेड़ का मटन है। तो बाकी क्या प्रोसेसेस होती है सर अभी पे? हम आपको रान, हमारा जो स्पेशल है यहाँ का शौर्यवाड़ा का स्पेशल है रान, हम रान दिखाते हैं। अरे यहाँ पे हमारा इंडियन भी चीज मिलती है, यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे चाइनीज है, सब चीज मिलती है, तंदूर भी यहाँ पे मिलता है। इंडियन से आपका मतलब है वेज? वेज है, वेज नहीं है, इंडियन नॉन वेज भी मिलता है, ग्रेवी में जो मुर्ग मुस्लिम है सब चीज मिलता है यहाँ। जो जब कस्टमर आता है तो उसको सब चीज मिलना चाहिए, इसी वजह से हमने चाइनीज भी रखा है, इंडियन भी रखा है, रोटी भी मिला, नान भी मिलेगा आपको, सब चीज मिलेगी यहाँ पे। ये जो हमारा दूसरा सेक्शन है। अच्छा। यहाँ पे हम रान बनाते हैं पूरा बकरा रान। भाई साहब ये देखो ये पूरी रान है। हाँ ये रान है, क्या बात है। वहाँ पे जैसे शीप का बन रहा था मटन, तो ये भी शीप का है क्या? ये भी शीप का है, लेकिन अच्छा। हमारे अभी एक 7 से 8 आउटलेट और खुल रहे हैं, 11 आउटलेट हो गए हमारे पूरे महाराष्ट्र में। तो हम वहाँ पे हम शीप का भी देंगे और बोकर का भी देंगे, दे रहे हैं अभी शीप, यहाँ पे तो शीप है। क्या प्रोसेस रहता है, मैरिनेशन टाइम क्या ये रहता है? ये देखो हमने इसको हल्दी नमक और अदरक लहसुन पेस्ट करके हमने रात को ही मैरिनेशन करके रखा है। अच्छा। और इसको अभी हमारा जो स्पेशल मसाला है, हाँ। वो लगा के इसको भी हम 1-1.5 घंटा उसको रखेंगे उसे। तो आपके पास इतने ऑर्डर डेली के रहते हैं? हाँ डेली के, आज तो शुक्रवार है, आज का ये हमारा 60 का टारगेट है। 60 रन आज तो शुक्रवार है करके। अच्छा। संडे का रहेगा तो 100 तक हमारा जाता है, 100 रन जाता है यार। क्या बात है यार, 100 रन। दोस्तों आपने सुना, मतलब यहाँ पे इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है कि रान देखो कितना बड़ा होता है। दादा एक उठा के दिखाना इसको, ये देखो ये है, मतलब ये देख रहे हो कितना बड़ा रान है, ये देखो यार ये है दो दो रान, इतने बड़े बड़े रान है ये, और यहाँ पे ये बनता है। एक रान का क्या क्या वेट रहता होगा? एक रान का 1500-1.5 किलो तक का रान रहता है ये। तो सर चले इसको मेकिंग स्टार्ट करें। चलो चलो, है ना, ओके। तो ये पूरा मतलब ये इसमें मैं देख रहा हूँ चिकन भी है और रान भी है। तो ये क्या पैकिंग किया हुआ है सब कुछ? ये सिल्वर फॉइल में लगाया है हमने, ये चिकन है। हाँ, चिकन है पूरा, है ना? पूरा चिकन है। तो ये मैरिनेशन करके आपने बंद करके रखा है? बराबर, रान है, मतलब ये देख सकते हो दोस्तों एक रान जो रेडी हो चुका है ऑर्डर के लिए। यहाँ देखिए ये मसाला है इनका और ये घी वगैरह डाल के और इधर रख दिया उधर भट्टी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे रोस्ट हो रहा है, ये देखो
और ये देखिए यहाँ से ये ले लिया इन्होंने घी, और ये घी लेके और ये पूरा देखिए। तो इस तरीके से ये रान प्रिपेयर होती है यहाँ पे, है ना? क्या बात है यार, ये देखिए। तो देखो इस तरीके से इसको यहाँ से फिर इस तरह से बंद कर दिया जाता है, और अभी ये यहाँ पे अंदर पूरा अच्छे से सिक जाएगा, है ना? सिक जाएगा। बहुत सही बना रखा है यार। यार यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है चिकन है, और ये अक्खा चिकन है, पूरा चिकन पूरा, है, पूरा, पूरा, है ना, मैरिनेट किया हुआ, ये देख सकते हो। और ये सर ये जितने भी यहाँ पे बन रहे हैं ये ऑर्डर्स कितनी देर में खत्म हो जाएंगे? ये तो क्या अभी आज शुक्रवार है तो एक डेढ़ घंटे में पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक डेढ़ घंटे के? हाँ हाँ। क्या सही है यार, मतलब इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये देखिए ये रान जो यहाँ पे हो रही थी, होने के बाद में पार्सल इसको पार्सल किया जा रहा है, ये इसके बाद फिर से इस पे ये लगाया जा रहा है ना घी। ये घी देखो कितना सही लगाया जा रहा है यार। मसाला, ये मसाला कौन सा मसाला है सर? रान का मसाला, ये घर पे ही बनाया है हमने, खुद का ही मसाला है। अच्छा, खुद का ही एक मिक्सअप है ना। चलो तो ये देखिए पहले घी, उसके बाद मसाला, उसके बाद धनिया पे, और फिर ये प्रॉपर कटिंग करके ये देखो यार, ये थोड़ा और मसाला इसके ऊपर, और ये थोड़ा और घी, फुल ऑफ घी। हाँ, बहुत ज्यादा बढ़िया घी करके और ये पैकिंग करके। तो आपके यहाँ से पार्सल ज्यादा निकलते कि लोग ज्यादा खाने आते हैं? लोग ज्यादा खाने आते हैं। हम पार्सल स्विगी जोमेटो पे ज्यादा देते नहीं, क्योंकि यहाँ पे आके खाने का मजा अलग है। बिल्कुल, क्योंकि ये उधर तक जाने तक एक डेढ़ घंटा, एक घंटा तो कम से कम लगेगा, लेकिन ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद हार्ड हो जाता है वो थोड़ा। हाँ, सा इधर रहेगा तो खाने में अच्छा लगता है। रान अच्छा जैसी चीज बिल्कुल गरम गरम प्लेटिंग होकर के आए तो मजा आता है। बिल्कुल सही बोला आपने। बट ठीक है, लोगों का मतलब आपका टेस्ट इतना लगा हुआ है कि घर पे भी मंगा के खाते हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों इस तरीके से ये पैक हो गया है। इसी तरीके से रान को सर बनने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 घंटा इसको पकने में लगता है। 2 से 3 घंटा पकने में लगता है, फिर उसी तरीके से प्रिपेयर होके इनकी प्लेटिंग होती है ना। बिरयानी कैसी बनती थी दाखो तो यहाँ। तो दोस्तों अभी भाव जो है दिखाएंगे कि बिरयानी यहाँ पे कैसे बनती है। दम बिरयानी है ये, दम बिरयानी बनाते हैं। हाँ, आप भी टेस्ट करो, थोड़े टेस्ट के लिए दिया है मुझे। हाँ, जो भी चीज बनती है यहाँ पे पहले आप टेस्ट करते हो, है ना? पूरा मुझे टेस्ट के लिए आता है, फिर बाद में आता है। तो ये डेली का प्रोसेस है। प्रोसेस तो आप अपना प्रोसेस फॉलो कीजिए और हमें भी बताइए कि आज कैसी बनी है। ये देखो दोस्तों, ये डेली का इनका प्रोसेस है, और ये लिया इन्होंने। बराबर है, बना है, आप भी टेस्ट करो। अच्छा मैं पकड़ता हूँ। तो दोस्तों वैसे तो ये प्रोसेस हमेशा इनका है, लेकिन आज हम भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये चिकन बिरयानी है और बहुत गर्म है, अभी जस्ट निकला ही है, और ये दम बिरयानी है, तो इसको लेते हैं। कैसा लगा? कैसा? बहुत सही है। दम बिरयानी के बारे में होता है कि इसमें जो प्याज और जो ऊपर से जो सैफरॉन वाली चीज़ होती है ना, वो जो फ्लेवर आता है। चिकन बहुत टेंडर है, दिस इज सो गुड। मेरे को ये भी मिलेगा क्या मेरा प्लेट में? यस यस यस, मिलेगा। तो भाव मैंने सुना है यहाँ का जो थाली सिस्टम है ना, वो भी बहुत फेमस है। हाँ। तो कितने तरीके की थाली अपन यहाँ पे सर्व करते हैं? यहाँ पे 2 तरीके की थाली है, एक चिकन है और एक मटन है। सादा थाली आता है, स्पेशल आता है, और हमारी गावा कड़ी बोल के एक थाली है, वो आती है। गावा कड़ी? हाँ, गावा कड़ची। अच्छा। गाँव के साइड की? गाँव के साइड, गाँव की साइड की। बहुत बढ़िया। और अभी हम आपको जो दे रहे हैं वो गाँव के साइड की थाली दे रहे हैं, मुझे गावा कड़ची थाली दे तो मैं तुम्हारा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भाव उसमें क्या क्या डालता है एक बार आप बताइएगा। मटन ये फ्राई दे दो, ये मटन फ्राई है। तो ये देखो दोस्तों, ये है मटन फ्राई, देखो यहाँ पर ये बना के इन्होंने रखा है। हाँ, रखा है। दे दो। तो मटन फ्राई बोले तो जिसको आप मटन फ्राई बोलते हो ना, उसको हम राजस्थानी में बोलते हैं भुना मटन। भुना 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 मटन है ना। तो ये भुना मटन की प्रोसेस है, और उसके बाद आलनी सूप है। तो भाऊ जो आप पहले पीते हैं या खाने के साथ में लेते हैं? खाने के साथ में भी पीते हैं उसको। इट्स लाइक अ सूप। सूप, सूप, बराबर। और ये क्या है? मटन कीमा। मटन कीमा यार, ये देखो ये डल गया रोगन ऊपर से। इसकी प्रिपरेशन भी खड़े मसाले में होती है। हाँ, खड़े मसाले, है ना? आपको दिखाई भी देगा। हाँ, ये देखो यार, ये है मटन काला चॉप। अपना मटन काला चॉप, काला चॉप, ये इसका मसाला ही अलग है, काले मसाले में होता है ये जो काला मसाला है। जो मैंने सुना है महाराष्ट्र में काला मसाला करके जो बोलते हैं लोग, वो है क्या ये? हाँ, वही वही, उसी में। ये पूरा थाली लगेगा ना, तो एक ही मसाले में कोई कुछ नहीं बनता है, सबका अलग अलग मसाला रहेगा, सबका अलग अलग टेस्ट भी आएगा। मटन लोनचक उड़ा है, मटन लोनचक। तो इसमें क्या खास है, ये क्या? हाँ हाँ, पिकल बोलते हैं आप, मटन पिकल। मटन पिकल, ओके। मटन का अचार, अच्छा क्या बात है। अचार वाले में आमचूर का जो मसाला रहता है, अचार ही सरसों और वो जो रहता है ना, वो बराबर वो इसमें दिख रहा है मुझे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
तो ये देखो यार, ये अभी थाली बस स्टार्ट ही हुई है अभी। हाँ। और क्या क्या आ रहा है? और रस्सा दे दो, हमारा जो स्पेशल है। तो ये है रस्सा, बन रहा था मटन का बस, और इसी में ये प्रिपेयर होकर के ये भी सर्व होता है इसके साथ। हाँ, है ना। तो ये देखो, ये है मटन का रस्सा, क्या बाकरी अंडा। ये देखो लौकर, मतलब महाराष्ट्र का जो टेस्ट होता है, जो बनाने का तरीका होता है, जो डिशेज होती है, बहुत अलग होती है और इनका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। तो ये हो गया हमारा रस्सा और ये भी आ जाएगा हमारा थाली में। बहुत ही बढ़िया। ये देखो, एक इधर और एक इधर। अभी ये ज्वारी की भाकर है हमारे यहाँ पे, ज्वारी की भाकर की भाकर यानी, और ये बाजरे की भाकर, और ये बाजरे की, और हमारे यहाँ का स्पेशल जो भात है इंद्रायणी राइस। तो ये आ गया दोस्तों, देखो ये इंद्रायणी राइस स्पेशल है, आप खा के देखो। सारी चीजें ही स्पेशल लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी तक खाई नहीं है। लास्ट में ये पूरा होने के बाद हम आपको गुलाब जाम भी देते हैं। गुलाब जाम भी, गुलाब जामुन है। बहुत बढ़िया। तो ये अभी हो गई थाली कंप्लीट, कंप्लीट है ना। कंप्लीट। और अभी ये डल रहा है इसके ऊपर धनिया। तो दोस्तों ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जो ये रान हमारी मेकिंग हो रही है यहाँ पे हमारे लिए, उसकी जो प्रिपरेशन होती है, उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है सर्विंग से पहले, ये होती है। और हमारा जो कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी, एक ही टाइम में 300 लोग बैठते हैं। और आपका मैंने देखा कि ऊपर भी बना हुआ है, ऊपर भी बाहर की तरफ भी है। हाँ, वो बाम्बू हाउस भी है, ऊपर भी हमने बना हुआ है, और नीचे भी आप जहाँ पे हम बैठे थे पहली बार, बिल्कुल वो उधर भी सीटिंग है। तो टोटल ये 300 लोगों का सीटिंग है। बहुत बढ़िया। और मैंने सुना था भाऊ कि आप यहाँ पे पूरा अक्खा बकरा भी मैरिनेट करके बनाते हो। पूरा पूरा बकरा बनाते हैं, लेकिन आज का पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, तो हमने वो बना के नहीं रखा। वो बना के नहीं रखा। अरे ये बस मेरा एक नुकसान हो गया। तो अभी ये खुलेगा और उसके बाद में ये देखो यार, ये है उड़ाचा माहौल है। ये है हमारी रान और ये, ओ भाई साहब, तो ये बस रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद में आप इस तरीके से डालते हो, रोस्ट करते हैं, थोड़ा रोस्ट करते हो। कितना हीट आ रहा है यार, मतलब यहाँ पे इस तरीके से काम करना अपने आप में मतलब बहुत ही मतलब मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। ये देखो इनका कितना पसीना बह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है यार। तो ये हो गई है हमारी रान तैयार। देखो रान में भी आग लग गई है, ये आग लगा देगी आज मतलब। हाँ ये देखो क्या बात है यार। तो ये आ गया है सैलेड इसके ऊपर और प्लेटिंग हो चुकी है। अब आप देख सकते हो इसके ऊपर ये डल रहा है घी। ये देखो यार कितनी मात्रा में इस पे घी डाल रहे हैं, बहुत ही शानदार। ये देख सकते हो यार आप। तो ये है मटन रान और ये शीप रान है एक्चुअली, रोस्ट करके अच्छे से, और इस पे प्लेटिंग की गई है और साथ में घी भी देते हैं। कम रहेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अभी मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र में। तो ये तो है मेरा थाली और ये आ गया है विकास भाऊ का थाली भी यहाँ पर। आज मैं आया हूँ शौर्यवाड़ा। शौर्यवाड़ा मेरे ही एक दोस्त ने, जो कि बहुत अच्छी बात तो ये, वो है राजस्थान से और उसने बोला कि शौर्यवाड़ा जाना और यहाँ का रान स्पेशली खा के गया है यहाँ पर। कल अमेरिका से फोन आया था, अरे मैं उधर आने के बाद मैं आपका खाना खाऊंगा। तो ये देखो, ये है हमारी रान जो कि हमने आपको यहाँ पे आज इसका पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से मैरिनेशन प्रोसेस से लेकर के कैसे बनता है, कैसे रोस्ट होता है और किस तरह से प्लेट में आने तक का जो प्रोसेस था आपने देखा। ज्यादा देर नहीं करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रान से, ठीक है, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। तो ये देखो, ये है मटन रान। तो ये आ गई मटन रान और यहाँ से पता चल रहा है गरम गरम है अभी। तो देखो, हमने राजस्थान में बकरा खाया है, आज हम शीप खाएंगे और थोड़ा डिफरेंशिएट भी करेंगे कि कैसा है क्या? ये ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको कैसे लूँ मैं? वैसे तो मैं तो हाथ से ही लेने वाला था। नहीं, वो इसे तो हाथ से ही लेते हैं। तो थोड़ा सा बस काट लेते हैं इधर से। ये देखो यार, यहाँ से सॉफ्ट है। ये देखो, सी दिस इज़ द वन। तो अभी इसको प्लेट में ले लेते हैं, ऐसे उठा लूं। घी डालने को, घी डालना है इसमें। तो ये देखो, ये इन्होंने घी अलग से दिया है, हालांकि प्रिपरेशन के टाइम पे भी इस पे बहुत ज्यादा घी डाला था। हाँ। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और घी ले लेता हूँ। और हाथ से खाओ आप? हाथ से ही खाते हैं। हाँ। इसको है ना। तो अभी देखो इसकी पकावट देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखो मतलब कितना जो मटन है ना, किस किस हद तक पका हुआ है, ये देख रहे हो, बिल्कुल ईजीली अलग हो रहा है। कितना ईजी। तो अभी इसको
खा करके देखते हैं। ऐसे टेस्ट कैसा है? अरे बहुत बढ़िया है। मतलब इतना सॉफ्ट होगा मटन होके, क्योंकि मैंने पहले भी राजस्थान में भी रान खाई है। एक्चुअली क्या होता है, इसको बनाने का एक तरीका होता है। मैंने देखा इन्होंने पहले तो मैरिनेशन जो है एक दिन पहले करके रखा था, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। मेन पता है क्या आ रहा है? जो स्मोकी फ्लेवर है ना, जो वहाँ स्मोक हो रहा है इतना बंद हो करके, वो जो स्मोकी फ्लेवर आएगा ना, वो इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या मसाला देते हैं, और ये मसाला मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे बिरयानी के ऊपर मसाला डालते हैं या नॉनवेज के ऊपर मसाला डालते हैं, इस तरह के से थोड़ा सा मसाला डाल के। तो भाऊ एक चीज़ मेरे को बताओ कि जैसे ये अपन ने रान लिया है ना, तो ये वाला जो रान प्रिपरेशन है, ये कितने लोग एक साथ खा सकते हैं? मतलब कितने लोगों का स्टार्टर होता है? चार लोगों का स्टार्टर के लिए बनाया है ये। एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे आकर के देखिए, ये मतलब ये इतना सॉफ्ट है ना, ये देखो, देख रहे हो कितना सॉफ्ट है। और ये इस पर मसाला जो है ना, बहुत सही मसाला है। और इसको अपन वापस से खाते हैं एक बार। ये मसाला का रेसिपी दोगे क्या? रेसिपी मैं आपको दे देता हूँ। हाँ मैं अपने तक रखूँगा बस। यार ये क्या मसाला है यार, मतलब मैं इसको पूरा ऐसे ही खा सकता हूँ। और रान प्रिपरेशन भी हर कोई करता नहीं, क्योंकि हर किसी से बैठता नहीं। बहुत सही है यहाँ पे। इसी तरह मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप आते हैं पुणे, शौर्यवाड़ा एक बार ज़रूर आइएगा, और यहाँ की रान एक बार खा करके ज़रूर देखिएगा। और मैंने तो सुना है ये पूरा अक्खा बकरा, पूरा अक्खा पूरी शीप को आप इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं? यस यस, सही बात है। तो दोस्तों मटन रान तो बहुत सही है, और मटन रान की जो मैं रेटिंग दूंगा ना, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही होगी। बहुत ही सही इसकी मेकिंग है। मटन रान का अगर आपसे प्राइस पूछो तो क्या रहेगा? 1840 रुपये इसको प्राइस। 1840, और 4 से 5 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। अभी मैं इस थाली को लेता हूँ, थाली को खा करके देखते हैं, जो यहाँ महाराष्ट्र की स्पेशल थाली है। मतलब जो गांव की मेकिंग होती है ना, चूल्हे की रोटी और बिल्कुल भट्टी पे बनी हुई चीज़ें, अगर आप इनका ये रस्सा देखोगे या जो भी चीज़ें ना, भट्टे पे बनी हुई, सही है ना। तो सबसे पहले मैं इसको रस्से के साथ ट्राई करूँगा। ये देखो, ये है वो मटन वाला रस्सा। ये जो करी है ना, ये बहुत स्मूथ करी है। मसाले आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ज़्यादा है, जबकि करी में मसाले वो हिट नहीं कर रही है। ये रस्सा देख रहे हो, रस्से के ऊपर तो रोगन है, और अंदर जो है वो बहुत लाइट है, येलो कलर की ग्रेवी। बहुत सही है यार, पी सकते हो इसको। मैं पी के ही देखता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी जुकाम होगा ना, तो इसका सिप लेते ही खुल जाएगा, क्या बोलते हो? बराबर, बहुत सही है। और ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ना करी की, ये चावल के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। तो एक बार इसको चावल के साथ में खा करके देखते हैं। ये चावल ले लिया अपन ने, और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हाथ से ही खाना पसंद करते होंगे लोग, है ना। तो ये पहले इस पे डाल देते हैं रस्सा। क्या बात है यार, मतलब जो मैं था ना, मैं सही था। जो रस्सा है ये, इसके साथ में बहुत सही जा रहा है। दूसरा देखो, इस अगर आप यहाँ हो ना, तो भूख लेके आना, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी टेस्टी हैं, अगर आपको भूख होगी ना, तो इसका पूरा मज़ा ले पाओगे आप। बहुत शानदार। तो भाऊ अब मेरे को ना ये काला, इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये काला चॉप है, काला चाप है ना, काले मसाले में बनते हैं। काला अलग, देखो आप टेस्ट करो मसाले का। तो ये मसाला जो है ये काला वाला भाव, तो ये इसके कालेपन का क्या राज है? इसको कांदा भून के बनाते हैं हम। अच्छा, पहले पूरा प्याज को भूनते हैं, पूरा उसको डार्क करते हैं। जो मसाला, जो गरम मसाला वगैरह होगा ना, वो भी मसाले हम भून के ही करते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से भूनते हैं, उसमें काला कलर आ जाता है। उसको ये बहुत बढ़िया। और जो इसकी, मैंने जब ये डल रहा था तब मैंने इसकी फ्रेग्रेंस ली थी, बहुत ही सही था। और ये देखो काला मसाला है ये, इसको एक बार मसाले के साथ ही सिर्फ खा करके देखते हैं। जो प्याज की मिठास होती है ना, हाँ, और मसाले। अब देखिए ये जो मटन है, ये भी अगेन ये शीप का मटन है, और ये देखो कितना अच्छे से बना हुआ है, देख रहे हो कितना टेंडर है, बिल्कुल ईजिली रोटी पर आ गया। और ये मसाला देखो, काला मसाला, वाह यार, क्या चीज़ें आ रही है यार। इसको तो मेरा मन ऐसे करे कि इसको ऐसे उठाओ, ये मसाला लो, इसको लो और इसको ऐसे खाओ। इतना सही पका हुआ है ना ये, इतना जूसी है, और ये जो मसाला है ना, दिल खुश हो गया मेरा। तो दोस्तों ये जो, ये वाला जो डिश था ये, और आपकी करी, ये तो भाई साहब पास हो गए। अब ये तीसरा क्या है भाऊ? मटन फ्राई है ये मटन फ्राई है, ये देखो, ये है मटन फ्राई, और ये मटन के बोनलेस पीसेज है, ये देखो,
ये देखो इसमें ये मटन कितना सही पका हुआ है, देख रहे हो गलावट देख रहे हो इसकी। इसको तो मैं चावल के साथ ही खाऊंगा। और चावल में क्या रस्सा भी डाला हुआ है ना, तो बहुत सही है। और अभी भाऊ मेरे को बता रहे थे, विकास भाऊ, ऐसे ही इनका एक ये चिकन थाली भी आता है। मैंने विकास भाऊ से पूछा था चिकन थाली में तो प्रिपरेशन रहता है वो सारा सब कुछ सेम रहता है, बस उसमें मटन की जगह चिकन रहता है, ये डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको मटन का टेस्ट बता रहा हूँ तो वैसा ही चिकन का भी आप समझ सकते हो कि बढ़िया टेस्ट आएगा, क्योंकि ग्रेवी सेम है। अभी लेते हैं हमारे ये चौथा कीमा, ये है कीमा। ऊपर आप देख सकते हो इलायची है, खड़े मसाले का ये तेज पत्ता है, अंदर ये कीमा है। ये देखो ये कंसिस्टेंसी दिख रहे हो आप, ये देखो बड़ापन। तो ज्वार की रोटी के साथ में एक बार खा करके देखते हैं। ये इस तरह से, ये देखो ये है मेरा बाइट। और इस पे मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं एक नींबू भी निचोड़ दूँ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखो कीमा बहुत ही, मतलब जो दरदरा कीमा होता है ना जो मुंह में जाएगा तो आपको वो एक फील देता है, वो है। ज़्यादा मतलब लाइट ग्रेवी है ये, ज़्यादा हैवी ग्रेवी नहीं है, तो आपको जो कीमे का फ्लेवर है ना वो ज़्यादा आएगा बजाय ग्रेवी के फ्लेवर के। थाली सिस्टम खाना है ना, सौर्यवाड़ा एक बार ज़रूर आ जाना। एक एक चीज़ जो टेस्ट दे रही है ना बहुत अच्छा है। वो क्या बोलते हैं, भारी है, खूब चांगल है, खूब चांगल है, चांगल है, खूब चांगल है। अभी देखो ये लास्ट रह गई है चीज़, इसको मैंने लास्ट के लिए इसलिए रखा है क्योंकि ये है अचारी मटन। भाव इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मटन लोनचर, मटन लोनचर मराठी मध्ये मटन लोनचर। तो ये मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, ये है मटन का अचार। आपको दिखाता हूँ किस कदर गला हुआ है, ये देख रहे हो, ये देखो अचारी मटन किस कदर पका हुआ है, ये देखो ये तो सही में अचार है। अच्छा, मटन का अचार सीरियसली, सरसों के दाने होते हैं ना पीले वाले, ये उससे बना हुआ है। अचारी टेस्ट बिल्कुल आ रहा है। भाऊ उस थाली का क्या क्या रेट रहता है, 550 रुपए का मटन का, और जो चिकन है 440। मानता हूँ 550 रुपए में जो प्रिपरेशन ये दे रहे हैं ना, दिल खुश कर देने वाली प्रिपरेशन है। हर एक चीज़ में क्या मस्त आपको टेस्ट आएगा। मैं हमेशा कोई भी थाली खाता हूँ ना भाऊ, तो उसके बाद मेरी पसंदीदा कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है उस थाली में, वो मैं बताता हूँ व्यूवर्स को, है ना। सबसे पहले ये जो है ना, जो काला चौप था, प्याज की मिठास और मसाले का चटपटापन, वैसा सा कुछ ये है। तो ये मेरा अभी फेवरेट हो गया इस थाली में। उसके अलावा ये अचार, भेड़ का जो मटन है मैंने पहली बार खाया और ये इतना जूसी होता है, मेरे को लगा नहीं था, और ये बहुत जूसी था। और कुछ तो बनाने वाले के ऊपर भी होता है। ये थाली पास हो गई, और इस पूरी थाली का जो मैं रेटिंग दूंगा वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और तो ये थी शौर्यवाड़ा की थाली, और ये था शौर्यवाड़ा का जो फेमस रान है, मटन रान। दोनों ही बहुत सही था, रान की मेकिंग और रान की रेटिंग दोनों हमने आपको बता दी। शौर्यवाड़ा का लोकेशन और भी कुछ अगर रह रहा होगा तो सारी चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हो। एम्बियंस आपने देखा, एम्बियंस एक नंबर है। बाहर सेल्फी पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि हल रखा हुआ है यहाँ पे ब्लू कलर का, वहाँ पे लोग फोटो खिंचाते होंगे। बाहर बैल है, वहाँ फोटो खिंचवाते होंगे। पूरा ये किले की तरह बनाया है इन्होंने, पूरा वाड़ा की तरह बनाया है, इसलिए इसका नाम शौर्यवाड़ा है। फूड इनका पूरा जो देसी स्टाइल फूड है, बनता भी देसी स्टाइल है, टेस्ट भी देसी स्टाइल करता है, बहुत ही सही टेस्ट है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर तो डालता ही हूँ, तो आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा हम हमारी वीडियोस को फेसबुक और इंस्टा पे भी डालते हैं, तो इंस्टा पे आपको रील्स मिल जाती है और फेसबुक पे कंप्लीट वीडियो मिल जाते हैं कुछ दिन बाद, तो आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा अभी मैंने अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, विच इज़ www.virtualbanjara.com, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो उस वेबसाइट पर जाकर आप हमारे पूरे जो व्लॉग्स होते हैं उनको डिटेल में पढ़ सकते हो और उनके बारे में जान सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह पे, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी, थैंक यू।